आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ शुभम सदामा। तो आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम का अकाउंट अपना डीएक्टिवेट करना चाहते हैं टेम्पररीली बेसिस पे तो कैसे करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपना जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसे परमानेंटली डिलीट कैसे करना है, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको टेम्पररीली डीएक्टिवेट कैसे करना है। अगर आप टेम्पररी डीएक्टिवेट करते हैं तो आप उस अकाउंट को कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, लेकिन अगर आप परमानेंटली डिलीट कर देते हैं तो उसे 30 डेज बाद आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप टेम्पररी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं किसी भी रीजन से तो आप इस वीडियो को देख के आप उस अकाउंट को टेम्पररी डीएक्टिवेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले वो अकाउंट लॉगिन कर लेना है जिसे आप टेम्पररी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो जैसे कि वो अकाउंट मेरा इंस्टाग्राम ऐप में ऑलरेडी लॉगिन है, तो मुझे यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये 3 लाइन्स शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट सेंटर है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब जैसे आप पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर्सनल डिटेल आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे होगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, तो हमें यहाँ पे डीएक्टिवेट करना है तो उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे कि मेरा इस ऐप में 3 अकाउंट है तो तीनों अकाउंट शो हो रहा है, हो सकता है आपका एक ही अकाउंट होगा तो आपका एक अकाउंट शो होगा, तो आपको जो भी अकाउंट डीएक्टिवेट करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे इस अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है तो मैं अपनी यूज़र आईडी से चेक कर लूँगा और इसे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे दिखाई देगा डीएक्टिवेट अकाउंट और यहाँ पे है डिलीट अकाउंट, तो हमें डीएक्टिवेट करना है तो इस पर क्लिक रहने देना और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपको पासवर्ड एंटर करने के बाद पूछा जाएगा कि आपका रीजन क्या है जो आप अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहला है जस्ट नीड अ ब्रेक, प्राइवेसी कंसर्न और लास्ट में समथिंग एल्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई रीजन यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। आपका जो रीजन है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट नीड अ ब्रेक और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे लिख रहा है कंफर्म टेम्पररीली अकाउंट डीएक्टिवेशन और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है डीएक्टिवेट अकाउंट, तो आपको सिंपली डीएक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करना है। अभी देखिए जो आपका अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो गया है, और जैसा कि मेरा इस ऐप में एक और अकाउंट है तो वो लॉगिन हो गया है। तो आपका जो टेम्पररी अकाउंट डीएक्टिवेट होगा वो किसी को भी शो नहीं करेगा जब तक कि आप उस अकाउंट को फिर से एक्टिवेट नहीं करेंगे, ठीक है। और वो अकाउंट मान लीजिए कि एक तरीके से डिलीट हो गया है, इंस्टाग्राम से आप सर्च करने जाएंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। और ये मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है, आप चाहें तो इसे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।